हेलो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू ग्रेड अप नीट चैनल हाउ हवाई यू सो दिस इज डॉक्टर प्रियंका वेलकम टू ग्रेट अपट चैनल हवाई यू सो बेसिकली आई एम ऑडिबल या आई वेलकम यू ऑल टू ग्रेड अप नीट चैनल कैसे सभी बच्चे दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होप यू ऑल आर रेडी फॉर टूडे इस क्लास सभी बच्चे तैयार हैं आज के इस क्लास के लिए जल्दी जल्दी बताओ लेट्स सी हु आर प्रेजेंट इन आर क्लास टुडे हेलो एवरीवन जल्दी जल्दी आ जाओ लाइक कर दो सेशन को शेयर कर दो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब कर दो ग्रेड अप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हेलो अमानत राफिया यासर रोहित एस के रॉय अभी उदित फटाफट आ जाओ बच्चों गुड इवनिंग एवरीवन हेलो ऋषि मसूख रुशी को मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ कहाँ थे इतने दिन से फाइन हेलो एस के रॉ येस यू आर अ न्यू स्टूडेंट सो न्यू स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब करेंगे ग्रेड ऑफ नीट चैनल को क्योंकि आपको पता है वन शॉर्ट लेक्चर्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के क्लास एलेवंथ एंड ट्वेल्थ के बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपका ये आ, सेशन ओके हेलो अनमोल इनफिनिटी अर्पिता मुनीब अनंता सुजीत हेलो एवरीबॉडी जल्दी से शेयर कर दो सेशन को सो so दैट बहुत सारे फ्रेंड्स जो है आपके हमारे हमें ज्वाइन कर पाए ओके सो अगेन जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देती हूँ दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कल हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टिल फर्टिलाइजेशन आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन एम्प्लांटेशन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट फार्चुरेशन एंड रिलेक्टेशन ओके सो होप यू ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड फॉर टूडेज क्लास हेलो श्रेया डाउट डाउट क्लास होगी डाउट क्लास होगी बिल्कुल डाउट्स आप भेज सकते हो मुझे डॉक्टर प्रियंका डे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो डॉक्टर प्रियंका डे डी आर पी आर आई वाई ए एन के ए डी वाई और उसके थ्रू आप जो है अपना डाउट भी सॉल्व करा सकते हो हेलो कामेश्वरी अवी राज रोहित जावेद गायत्री गुड आफ्टरनून एवरी वन मिंटिक विज बी ए बच्चा आज मिन्टिक्विज बी इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेवन पी एम को ओके ग्रेड अप नीट चैनल पे ही चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन मैं फिर से देना चाहूंगी कि गो प्रेप इज नाउ ग्रेड अप ओके तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ग्रेड अप ऐप तो जल्दी से डाउनलोड कर लो यस आई विल राइट माई टेलीग्राम आई डी डोंट वरी डियर ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू ग्रेडअप सुपर जिसमें आपको मिलेगा स्ट्रक्चर लाइव कोर्सेज यू विल भी स्टार्टिंग फ्राम इंडियाज़ बेस्ट फैकल्टी देर विल बी कम्प्लीट डाउट रिजोल्यूशन एंड फुल सिलेबस कवरेज फॉर यूर एग्जाम आपको एक ग्रीन कार्ड भी मिलेगा जिसके थ्रू आप बहुत सारे ऑनलाइन मार्क टेस्ट दे सकते हो ओके अनमोल यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट मुझे पता है एंड यू आर अ एंड यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट दैट टू आई नो हैलो अनंता हेलो आदर्श हेलो सचिन हेलो रुशी हाँ मुझे पता है बहुत सारे लेक्चर्स आपने मेरे मिस कर दिए हैं एंड लाइक यू ऑल नो नीट क्रैश कोर्स जो है आपका चल रहा है ग्रेडअप नीट चैनल पे 12 बजे से 6 बजे डेली आपकी क्लास होती है राइट एंड विजन सिक्स प्लस में तो तो क्या हो रहा है इसमें इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों ही क्लास के सारे के सारे चैप्टर्स जो है वन शॉट में रिवाइज कराए जा रहे हैं आज का आज का जो है मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ हेलो खुशी हेलो सैटरडे संडे सैटरडे को क्लास होगा अमन संडे को क्लास नहीं होगा मंडे को फिर से क्लास होगा ओके ऑल्सो ऑल्सो बारह बजे मेटिकवेज हो चुका है स्वाति मैम का डेढ़ बजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा दिया है मेगा मैम ने अभी मैं पढ़ा रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4:30 को होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्लास बाय जगजोत सर सात बजे होगा मेंटी क्विज ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो जो भी आज पढ़ोगे कल जो पढ़ा था वो सब पूछा जाएगा आपसे देखते हैं कौन जीतता है हमारा मेंटी क्विज ना नौ, नौ बजे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ाएंगी पाची मैम आपको और दस बजे आप पढ़ोगे आईसो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय विवेक सर सो होप यू ऑल आर यू ऑल आर रेडी फॉर टूडेज क्लास फटाफट से है ना फटाफट से जो है लाइक like कर दो सेशन को सब्सक्राइब कर लो ग्रेड अप नीट चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो तो चलिए स्टार्ट करें हमारा सेशन होप यू ऑल आर रेडी विथ पेन पेंसिल एवरीथिंग एंड ऑल्सो आपके लिए एक लेकर आए हैं एक और नया सीरीज नीट रिविजन महोत्सव जिसमें होगा नीट फुल सिलेबस रिविजन डेली सात बजे से ग्यारह बजे तक फर्स्ट मार्च से जो है ये सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन फाइन चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बता देती हूँ आज का हमारा सेशन किस तरह से लिया जाएगा टुडे हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी दैट इज एम्ब्रोजेनेसिस पढ़ेंगे पार्चुरेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रेशन पढ़ेंगे फाइन रेडी एवरी रेडी एवरी फटाफट से लाइक like कर दो और शेयर कर दो ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं थैंक्स देवेंद्र तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन तो सबसे पहले देखते फर्टिलाइजेशन होता क्या है एज यू ऑल नो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट राइट सिंपल सा टर्म है फर्टिलाइजेशन कई बार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नाइन्थ टेंथ क्लास से सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट नाउ दिस फ्यूजन ऑफ गैमीट इज ऑल्सो नोन एज अन्गैमी क्या बोला जाता है फर्टिलाइजेशन को एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है मतलब क्या है फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी वही जो फर्टिलाइजेशन का मतलब है नाउ सिमी डिवाइडेड इन टू कैरियोगी एंड प्लाज्मोगी ठीक है सिन्गैमी जो है वो उसमें दो स्टेप होता है पहला होता है कैरियोगैमी दूसरा होता है प्लाज्मोगी हेलो अमित गुड आफ्टरनून बच्चा ओके नाउ कैरियोगैमी का मतलब है बच्चा कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस क्या होता है कैरियोन का मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस ठीक है और गैमी का मतलब होता है गैमी का मतलब होता है फ्यूजन तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है हाँ बिल्कुल प्योश आज मेंटी है बच्चा जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ना तो उसे बोला जाता है कैरियोगैमी एंड जब साइटोप्लाज्म का जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है इन सिनगैमी तो उसे बोला जाता है प्लाज्मोगैमी अंडरस्टूड एवरी वन सो बेसिकली सिनगैमी विच इज फर्टिलाइजेशन इज डिवाइडेड इन टू टू स्टेप्स दो स्टेप होता है इसमें वन इज कैरियोगैमी एंड वन इज प्लाज्मोगैमी कैरियोगी क्या करता है कैरियोगी में होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड एंड प्लाज्मोगी में होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म समझ गए सभी बच्चे ना फर्टिलाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि सेकेंडरी ऊसाइड रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओब्यूलेशन सो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है मियोसिस टू कंप्लीट होगा मियोसिस टू इज़ कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये याद रखो एग्जाम में पूछा जाता है हेलो विपाशा नाउ इट इज नॉर्मली कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किए हैं चलिए अभी देखते हैं हेलो गुड आफ्टरनून प्रदीप नाउ सी लेट सी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम इट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जानना बहुत जरूरी है बिफोर मैं आपको पढ़ाऊँ स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हेलो हरी राम फटाफट फटाफट बच्चा शेयर कर दो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना इट इज द लेयर ऑफ इलांगेटेड सेल विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा तो इलोंगेटेड सेल का लेयर है है ना जिसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा आगे आप पढ़ोगे कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को पूरा पूरा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके फिर फ्यूज करना होता है ओवम से अंडरस्टूड हेलो राघव हेलो यासिर आयात दिव्या सब आ गए हेलो लक्ष्मी फटाफट से लाइक कर दो बच्चा सेशन को एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में तो यहाँ पर देखो ओवम का सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा के अंदर दैर इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा ये नीट का क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लेंगे सभी बच्चे दिस इज अल्यूलर लेयर नॉन सेल्यूलर लेयर ऑफ ओवम जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्यों ये इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये क्योंकि ये जो है आप आगे चल के देखोगे इट विल प्रिवेंट पॉली स्पर्मी मतलब एक ही स्पर्म आपके ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा दूसरा स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा अगर दूसरा स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा प्लॉइडी एकदम चेंज हो जाएगी राइट इट बी गुड फॉर अस सो जोना पलूस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एंड अंडरनीथ दैट दर इज अ पेरीविटेलाइन स्पेस दर इज अ पेरीविटेलाइन स्पेस जिसमें आप देखोगे अभी कि कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर रिलीज है ठीक है वो हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में फाइन और उसके अंदर सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम तो एक बार फिर से मेरे साथ सभी बच्चे रिपीट करेंगे सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे कि सबसे बाहर वाला लेयर जो है सबसे बाहर वाला लेयर जो है ओवम का वो है कोरोना रेडिएटा उसके बाद आता है उसके अंदर होता है प्रेजेंट जोना पल्यूसिडा जोना पल्यूसीडा के अंदर होता है पेरीविटेलाइन स्पेस और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ओके ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों क्योंकि नीट में पूछा जाता है क्योंकि कहाँ पूछा जाएगा नीट में ओके चलिए समझ में आ गया नाउ अगर ये समझ में आ गया है तो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ठीक है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप में लेट्स सी सीक्वेंस सीक्वेंस है बेटा चलो मैं नंबर डाल देती हूँ ठीक है सबसे पहले बाहर की तरफ होगा कोरोना रेडिएटा अंदर की तरफ होगा जोना पेल्यूसिडा जोना पल्यूसिडा के अंदर होगा पेरीविटेलाइन स्पेस और उसके भी अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ठीक है अभी सब क्लियर है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो कुछ भी आ, नहीं है डाउट चलिए पढ़ते हैं मेकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ठीक है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉट इज स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखते हैं सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस में हम देखेंगे सबसे पहले स्पर्म विल मूव टूवर्ड्स सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म कहाँ मूव करेगा सेकेंडरी ओसाइट के तरफ मूव करेगा उसके बाद एज यू ऑल नो स्पर्म में होता है स्पर्म में होता है एक्रोजोम क्या है एक्रोजोम एक्रोजोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑर्गेनल ऑफ सेल जल्दी बताओ मुझे चैट पे आई एम सीइंग हेलो दीपक फटाफट फटाफट फटा, फटा फटा फटा, बता दो मुझे फटाफट बता दो यस आर्यन जल्दी बताओ एक्रोजोम जो है एक्रोजोम वो कौन से ऑर्गेनल का मॉडिफिकेशन है फटाफट बताओ है ना एक्रोजोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑर्गेनल एक्रोजोम गोल्गी बॉडीज वेरी गुड एक्रोजोम नो माइटोकॉन्ड्रिया no, नहीं बच्चा नो लाइजोजोम इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज वेरी गुड एवरीबडी गुड सो गोल्गी बॉडीज जो है वही मॉडिफाई होकर बनाते हैं एक्रोजोम और एक्रोजोम के अंदर भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो फर्टिलाइजेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जैसे ही जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा एग के पास में इट विल फर्स्ट सबसे बाहर वाला लेयर क्या था कोरोना रेडिएटा सो इट विल वॉट इट विल डू वॉट इट विल पेनीट्रेट कोरोना रेडिएटा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज हायर ल्यूरो वेरी इंपॉर्टेंट सभी बच्चे दो स्टार मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को एंजाइम इज प्रेजेंट इन फाइन सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा स्पर्म फाइन अब जैसे ही कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट होगा नेक्स्ट कौन सा है बच्चों नेक्स्ट लेयर कौन सा है हेलो आयात नेक्स्ट लेयर कौन सा है नेक्स्ट लेयर है जोना पेल्यूसिडा अभी हमने पढ़ा पिछले वाले स्लाइड में तो अब क्या करेगा स्पर्म जो है वो अढ़ेयर करेगा अढ़ेयर करेगा मतलब कनेक्ट करेगा विद द ज़ोना पेल्यूसिडा 3 रिसेप्टर्स ZP3 रिसेप्टर्स ऑन ज़ोना पेल्यूसिडा ये क्या है रिसेप्टर ये ग्लाइको प्रोटीन है बच्चों ये ग्लाइको प्रोटीन है फाइन समझे और ये जो ZP3 रिसेप्टर्स होता है ना दीस आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ स्पर्म सो सिर्फ उसी स्पीशीज का स्पर्म जो है ZP3 रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है फाइन समझ गए सेकंड स्टेप्स सभी को समझ में आया समझ में आया नेक्स्ट एक्जोमल रिएक्शन होगा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट होगा एक््रोजोमल रिएक्शन जिसमें से निकलेगा एक्रोन या जोना लाइसिन दिस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो फाइनली जो फाइनली जोना पेल्यूसिडा में एंटर होने में हेल्प करेगा स्पर्म को फाइन अंडरस्टूड बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ठीक है सबसे पहले स्पर्म आएगा सेकेंडरी के पास में कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के बाद जेड पी थ्री रिसेप्टर से बाइंड करेगा फिर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा फाइन फिर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा स्पर्म देर विल बी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी ओसाइट और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है सिनगैमी अनमोल एडेरेंस का मतलब होता है एडेरेंस का मतलब होता है चिपकना ठीक है एडेरेंस का मतलब होता है कनेक्ट होना चिपकना ठीक है नाउ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू अब जाके जो मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि मियोसिस टू अब कंप्लीट होगा बिल्कुल वन शॉर्ट लेक्चर होगा बेटा केमिकल कंट्रोल का डोंट वरी ओके नाउ म्योस टू अब जाके कंप्लीट होगा आफ्टर सिन एंड जब म्योस टू कंप्लीट होगा तब रिलीज होगा सेकेंड पोलर बॉडी क्या रिलीज होगा सेकेंड पोलर बॉडी ओके जोना लाइसन टू रिजॉल्व जोना पेल्यूसिटा बिल्कुल सही एडहेरेंस का मतलब होता है बेटा चिपकना ओके ना ग्लू होना ठीक है नाउ चेंजेस अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको सभी मार्क करेंगे जैसे ही जोना पेल्यूसिडा पेनिट्रेट होगा जोना पेल्यूसिडा का लेयर जो है वो चेंज हो जाएगा ओके क्यों चेंज होगा बिकॉज ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन प्लाज्मा मेंब्रेन के अगर हम ऊ साइड का बात करें तो प्लाज्मा मेंब्रेन के अंदर होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर जो पेनिट्रेट होता है दीज कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर रिलीज इन पेरीविटेलाइन स्पेस पेरीविटेलाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कंटेंट रिलीज हो जाते हैं जिसे ही बोला जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन जिसके वजह से प्रिवेंट होता है पॉलीस्पर्मी ठीक है जिसके वजह से क्या प्रिवेंट होता है पॉलीस्पर्मी तो चलो बताती हूँ मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार समझो कि जैसे ही जैसे ही आपका स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना कंटेंट पेरीविटेलाइन स्पेस में रिलीज करेगा जिसके वजह से आपका जोना पल्युसिडा क्या हो जाएगा हार्डन हार्डन और दूसरा स्पर्म आपके ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म याद रखो बच्चों कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कैपेसिटेशन के बिना आपका स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवम को और कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होगा इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट लिख लेंगे सभी बच्चे इन फीमेल ट्रैक्ट वेरी गुड आरियन ओके पॉलिसल रिएक्शन याद रखना है ना अब एंटर करेगा एंड फाइनली देर विल बी प्लाज्मोगी दैट इज फ्यूजन ऑफ सैटोप्लाजम कैरियोगी दट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड एम्फीमिक्सिस क्या होता है एम्फीमिक्सिस दैट इज फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोम ओके फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोम को बोला जाता है एम्फीमिक्स तो सारे टर्म्स क्लियर है आपको और इसके साथ इसके साथ जो है आपका कंप्लीट होगा फर्टिलाइजेशन समझ गए सभी बच्चे ठीक है समझ गए ओके अंडरस्ट हाँ बिल्कुल पूछो कैसे होते हैं ट्विंस कैसे होते हैं अगर दूसरा स्पर्म अरे दूसरा स्पर्म अगर दूसरा स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर देता है ना आपके ओवम को तो क्या हो जाएगा हाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे थ्री एन हो जाएंगे ना तो ऐसा नहीं होता है ट्विंस का मैकेनिज्म अलग है दो तरह के ट्विंस होते हैं ओके होमोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक ट्विंस समझिए दो तरह के ट्विंस होंगे होमोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस कभी 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 क्या होता है एक ओवम को एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जयगोट एंड बाई सम मीन्स अगर वो जाइगोट ब्रेक हो गया है इन टू इंटू टू स्ट्रक्चर एंड वो दोनों बन गए हैं एम्ब्रे तो उन तरह, उस तरह के ट्विंस को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस फाइन अंडरस्टोड ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस डायजाइगोटिक ट्वेंस का मतलब है बेटा अगर कभी गलती से एक ओवम रिलीज होने के जगह मंथ में दो ओवम रिलीज हो गए हैं तो वो दो ओवम जो है वो फर्टिलाइज होंगे और वो जो दो ओवम है वो जो दो ओवम है वो डेवलप होंगे इनटू टू एम्ब्रियोज और उसे बोला जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस अंडरस्टूड आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस एक ही जाइगॉड से बनेगा एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो दो जाइ से बनेगा राइट हेलो अंशुका सो हॉप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इज क्लियर विथ यू ऑल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस वॉज देयर यू विल गेट पी डी एफ पी डी एफ के लिए आप डॉक्टर प्रियंका डे मैं यहां पर लिख दे रही हूं अपना टेलीग्राम आई डी इसको आप जो है इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो सारे पी डी एफ यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके चलो सेशन के बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी जो इस सेशन से रिलेटेड होंगे तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कर लिया वेरी गुड दिव्या ना सबसे पहले देखते हैं अब क्या बन गया है फर्टिला है ठीक है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अब होगा सेल डिविजन और सेल डिविजन के लिए स्पेसिफिक टर्म इज नोन एज क्लीवेज ओके नाउ क्लीवेज इज द टर्म दैट इज यूज फॉर सेल्डविजन ऑफ सेल्डविजन ऑफ जाइगोड ये एक तरह का माइटोटिक डिविजन है जिसके वजह से बनता है ब्लास्टोमियर्स सो क्लीवेज क्या बनाता है क्लीवेज बनाता है ब्लास्टोमीयर्स ठीक है क्या डिफरेंस है माइटोस और क्लीवेज में कोई बताएगा मुझे हेलो न्यूटन हेलो हेलो एवरीवन जल्दी बताओ क्या डिफरेंस है बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एंड क्लीवेज बेटा एक तो क्लीवेज जो है इट इज अ प्रोसेस डेट रिक्वायर ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अलावा माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं ना ठीक है न, वो जो है डॉटर सेल्स उनका साइज वापस से पेरेंट सेल के जैसा हो जाता है फाइन बट दिस इज़ नॉट द केस विद द ब्लास्टोमियर्स इज इट यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा एक जयगॉड था बट जो ब्लास्टोमियर्स बने जो पेरें जो डॉटर सेल्स बने उनका साइज उनका साइज जो है वो रिड्यूस होता गया साइटोप्लाज्म या जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो न्यूक्लियस न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है इन केस ऑफ क्लीवेज समझे हम्म अच्छा पीडीएफ नहीं खुलता है ना तो एमएस पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो बच्चों जो नहीं खुलता है ठीक है ओके नाउ माइटोटिक डिविजन से अब क्या होगा जाइगोट में डिविजन क्लीवेज होता जाएगा एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स तो दो सेल बनेंगे पहले फिर चार बनेंगे फिर आठ बनेंगे फिर सोलह डॉटर सेल्स बनते जाएंगे और उसे बोला जाता है डॉटर सेल्स या ब्लास्टोमियर्स अंडरस्टूड अंडरस्टोड मोर एनर्जी बच्चा क्लीवेज uh, में जो है ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ज्यादा एनर्जी ज्यादा एनर्जी लगता है ठीक है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इसमें बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता है सेल्स जो है वो छोटे छोटे होते जाते हैं फाइन नाउ सबसे पहला स्टेज जो है सबसे पहला स्टेज जो है आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन दैट इज मोरूला क्यों बोला जाता है मोरूला मोरूला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ थर्टी टू सेल्स ठीक है क्यों क्यों बोला जाता है इसे मोरूला क्योंकि ये मलबरी की तरह नजर आता है शैतूत खाया है सबने हाँ सैतूत खाया है तो शैतूत अगर खाया है तो शैतूत को बोला जाता है मलबरी और जो मरूला है वो मलबरी की तरह नज़र आता है इसलिए इसको बोला जाता है मरूला। ठीक है फिफ्थ क्लीवेज के बाद ये जो है स्ट्रक्चर को फिफ्थ क्लीवेज के बाद हम मोरूला डिनोट करते हैं ना मोरूला बनता है नेक्स्ट ब्लास्टूला क्या बनेगा मोरूला बनता है ब्लास्टूला तो यहाँ पर जो आपको राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना दिस इज मोरूला यस मलबरी इज वेरी टेस्टी राइट अनुष्का सो ब्लास्टुला बनता है मोरूला के बाद में ब्लास्टुला को मैमल्स में या ह्यूमंस में बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट क्यों क्योंकि इसके अंदर बनती है एक कैविटी जिसे बोला जाता है ब्लास्टोसील जिसे क्या बोला जाता है ब्लास्टोसील हेलो आकाश बिल्कुल एन टी पढ़ेंगे बच्चा बिल्कुल एन टी पढ़ेंगे बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है ना ब्लास्टोसिस्ट के भी तीन पार्ट्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है यहाँ पर यह है ब्लास्टोसिस्ट आपका इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है तीन तरह के सेल्स जो है वो डिफ्रेंश uh, हो जाते हैं और बनाते हैं आपका ब्लास्टोसिस्ट पहला सेल का लेयर है ट्रोफोब्लास्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है इनर सेल मास एंड फाइनली एक कैविटी होता है इसके अंदर जिसको बोला जाता है ब्लास्टो सील क्या होता है ब्लास्टो ब्लास्टोसील समझे तो ब्लास्टो ब्लास्टोसील ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल पे देख रहे हो ये जो बाहर वाला लेयर है ना ये है ट्रोफोब्लास्ट ये है ट्रोफोब्लास्ट लेयर पूरी तरह बाहर की तरफ जो लेयर है सेल का उसे बोला जाएगा ब्लास्ट ट्रोफो ब्लास्ट मेन्टिक्विज है आज सात बजे बच्चो मेन्टिक्विज है आज सात बजे ओके नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर एक कॉर्नर पे बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं और इसे बोला जाता है इनर सेल मास क्या बोला जाता है उसे इनर सेल मास फाइन नाउ याद रखो ट्रोफोब्लास्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है टू डू इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक स्टिकी लेयर है जो करेगा क्या जो करेगा इम क्या करेगा इम एंड इनर सेल मास वो सेल लेयर है जो बनाएगा एम्ब्रायो इनर सेल मास क्या बनाएगा एम्ब्रायो यस में हाइड कर लेती हूं क्या बनाएगा एमब्रायो समझ गए सो एम्ब्रायो इनर सेल मास बनाएगा और ट्रोफोब्लास्ट करेगा इम्प्लांटेशन समझ गए चलो बिल्कुल बोल सकते हैं इनर सेल मास को हम स्टेम सेल्स बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन पे आते हैं इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया जैसे मैंने बताया कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर करेगा इम्प्लांटेशन वो तो ठीक है दूसरा इम्प्लांटेशन का साइट क्या होता है इम्प्लांटेशन कहा होगा इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस में ठीक है कहा होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस में ठीक है वो भी लोअर टू थर्ड में कहा होगा लोअर टू थर्ड में नाउ 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 मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है देखो आप ये जो डायग्राम है ये टी का डायग्राम है सभी बच्चे एक पॉइंट जो है समझेंगे मेंटी यही होगा बच्चा सात बजे होगा ग्रेड अप नीट चैनल पे यहाँ पर देखो डिवीजन तो बच्चों स्टार्ट हो चुका था आपके फैलोपियन ट्यूब में पर इम्प्लांटेशन कहाँ होता है इम्प्लांटेशन कहाँ होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में होता है इजेंटेड यहाँ पर होता है कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लांटेशन करता है ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट होता है ना मेरा क्वेश्चन है कि पहले क्यों नहीं इम्प्लान्टशन हुआ इम्प्लान्टशन पहले भी हो सकता था फेलोपियन ट्यूब में भी हो जाता है कभी कभी जिसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट usually नहीं होता है यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन होता है तो what इज द रीजन टेल मी फास्ट इफ़ यू नो इट अदरवाइज आई विल बी टेलिंग यू इम्प्लांटेशन यूट्रस में आके ही क्यों होता है फेलोपियन ट्यूब में ऊपर ही कहीं क्यों नहीं हो जाता है क्या रीज़न है उसके पीछे कोई मुझे बताएगा हाँ कोई मुझे बताएगा चलो कोई नहीं बता रहा है तो मैं बताती हूँ उसका रीज़न है बच्चों उसका रीजन है क्या उसका रीजन है जोना पेल्यूसिडा उसका रीजन है जोना पेल्यूसिडा सो so, जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है ये प्रिवेंट करता है वो प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ तक ठीक है जब तक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है तब तक जोना पेल्यूसिडा ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो स्टिक नहीं हो पाता और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो जोना पेल्यूसिडा का दूसरा काम इट प्रिवेंट इम्प्लेशन इट प्रिवेंट इम्प्ल्टशन इन फैलोपियन ट्यूब बट फिर भी कभी कभी हो जाता है फिर भी कभी कभी हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है एक्टोपिक प्रग्नेंसी अगर इनकेस इम्प्लानशन हो जाए जोना पल्यूसिडा जो है वो अपना काम नहीं कर पाए और फेलोपियन ट्यूब में या कहीं और हो जाए इम्प्लानशन तो उसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ गए सभी बच्चे समझ गए हाँ बिल्कुल मेरा क्लास बच्चा रही तीन बजे होता है डेली और आज सात बजे मेंटी कुछ भी बच्चो है बच्चों इस चैप्टर पे ठीक है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सो फिर से बताऊंगी डोंट वरी आगे पढ़ लेते हैं जरा कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लांटेशन के लिए इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस में फाइन और जैसे मैंने बताया कि इनर सेल मास ही आगे चल के क्या बनाता है एम्ब्रायो इसको स्टार मार्क कर लेंगे सभी बच्चे ओके नाउ नाउ जैसे ही अटैच होता है जैसे ही अटैच होता है यूट्रेन वॉल से ट्रोफोब्लास्ट या आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन कौन से स्ट्रक्चर का होता है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट तो लिखेंगे सभी बच्चे चैट पे इम्प्लांटेशन ब्लास्टो सिस्ट का होता है और ये भी नीट का एक क्वेश्चन है ठीक है और इसे बोला जाता है निडेशन भी इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज निडेशन कब होगा ड्यूरेशन क्या है टाइम क्या है इम्प्लांटेशन का अराउंड सिक्सथ टू नाइन्थ डे ऑन एन एवरेज सेवेंथ डे ठीक है मैं यहां पर लिख देती हूँ ऑन एन एवरेज सेवेंथ डे में जाके इम्प्लान होता है उसके पहले क्या हो रहा होता है उसके पहले क्लीवेज होता है उसके पहले बनता है मरूला ब्लास्टूला एंड फाइनली का होता है इम्प्लांटेशन एट द सेवेंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है छ से नौ नाइन्थ डे के बीच में हो सकता है ऑन एन एवरेज सेवेंथ डे में हो जाता है इम्प्लांटेशन फाइन मेंटी सात बजे बच्चा मेंटी सात बजे है तो ये डायग्राम भी जरा हम समझ लेते हैं जो एनसीआरटी का डायग्राम है गैस्ट्रोला हम आगे पढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर देखो ये क्या था यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन फिर ये जो है ये हुआ क्लीवेज इसमें दो ब्लास्टोमेयर बने एंड फाइनली ये जो स्ट्रक्चर बना उसे बोला जाएगा मरूला फाइन मरूला जो है वो बनेगा आगे ब्लास्टोला जिसके अंदर एक कैविटी होगा एंड इसे बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट ये बाहर वाला लेयर है ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट है ना जो आगे चल के प्रेसेंटा बनाने में भी हेल्प करता है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और अंदर वाला जो है यह इनर सेल मास जो आगे चल के एम्ब्रायो बनाता है कैसे ज्वाइन करना है मेंटी सब बताऊंगी आप सिर्फ सात बजे मेरे सेशन में आना मैं बताऊंगी आपको कैसे ज्वाइन करना है मेंटी प्लीज डोंट फो गेट टू लाइक दिस सेशन कल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइक करो सेशन को शेयर करो और सब्सक्राइब करो ग्रेडअप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलो समझ गए सभी बच्चे तो लेट्स मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट तो टाइप ऑफ प्लेसेंटा एज यू ऑल नो मदर एंड फीटस के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है प्लेसेंटा जिसके थ्रू जिसके थ्रू सारा सारा न्यूट्रिशन मिलता है आपके फीटस को एंड जिसके थ्रू ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो फीटस से कहा जाता है मेटर्नल ब्लड में जाता है फाइन कल हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा इन वन शॉट इन वन शॉट यस बच्चा आलोक ठीक है नाउ हेलो प्रीति सो समझे गुजराती में कैसे गुजराती में कैसे समझा दूँ यार मुझे नहीं आती है गुजराती है ना आई कैन टीच इन बंगाली आई कैन टीच इन हिंदी आई कैन टीच इन इंग्लिश है ना बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी डोट टीच इन गुजराती कमॉन सो ह्यूमन प्लेसेंटा द टाइप ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटा किस तरह का होता है ह्यूमन प्लेसेंटा होता है हीमो कोरियल प्लेसेंटा सो क्या मतलब होता है हीमो कोरियल प्लेसेंटा का कि जो विलाइज होते हैं ना प्लेसेंटा के जो विलाइज होते हैं ना प्लेसेंटा के ये देखो वो विलाइज जो है प्लेसेंटल विलाइज जो है दे आर डीपली एम्बेडेड इन द मेटरनल टिश्यू और दे आर एंड दे आर बेथड बाय ब्लड सो तो बेसिकली ये जो विलाइज है ये इतने डीप होते हैं ना मेटरनल बॉडी में कि इसके आसपास बहुत सारा ब्लड होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है ठीक है गैसेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एंड न्यूट्रिशन का तो इसीलिए इस तरह के प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या बोला जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा ये है बच्चा मेरा चैनल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ यहाँ पर देख लो डॉक्टर प्रियंका डे ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप इस पर सारे पी आपको मिल जाएंगे ठीक है आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर पूछ सकते हो सो तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों वो है इस तरह का प्लेसेंटा जिसमें मेटर्नल ब्लड बेथिस क्या बोला जाता है फाइन कॉड क्या? क्या होता है बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड जो है अम्बलाइकल कॉर्ड इज अ कॉर्ड या कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा दिस इज प्लेसेंटा बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रायो ठीक है बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रायो नाउ तो टर्म हम यूज करते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए वो होता है मेटा सभी ने सुना है क्या होता है मेटा डिसकॉइडल तो मेटा डिसकॉइडल टाइप का प्लेसेंटा का मतलब क्या है बच्चों क्या होता है मेटा डिसकॉइडल मेटा डिस्कॉयडल का मतलब है कि पहले तो प्लेसेंटा में पहले तो प्लेसेंटा में डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड विलाई होता है समझेंगे सभी बच्चे इसका मीनिंग समझेंगे कि पहले तो प्लेसेंटा में डिफ्यूज या स्कैटर्ड विलाय होता है और बाद में चल के ये विलाय सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही जगह पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगह पर डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है समझ गए सभी बच्चे हम्म हम्म समझ गए अरे कैसे ज्वाइन नहीं होगा देखो डी डॉक्टर डी आर कैपिटल डी छोटा आर बीच में स्पेस कैपिटल पी प्रियंका लिख लो स्पेस लगाओ और कैपिटल डी जो है विथ ई वाई जो है वो करो लिखो बिल्कुल मिल जाओगे यार ऐसे मत करो ठीक है सो मेटा डिस्कॉयडल प्लेसेंटा का प्लेसेंटा का मतलब क्या है कि विलायस पहले स्कैटर्ड होते हैं और धीरे धीरे ये जो विलयस है ये डिस्क के फॉर्म में सिर्फ कुछ ही जगह पर डिफ्यूज होके मिलते हैं तो इस तरह के प्लेसेंटा को बोला जाएगा मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा मेंटी क्विज है बच्चा आप सात बजे आओ मैं आपको बताऊंगी मेंटी क्या होता है ठीक है

प्लेसेंटा जो है ये टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू का काम भी करता है दैट मीन्स इट रिलीज हॉर्मोन्स आपका जो प्लेसेंटा है इट ऑल्सो एक्ट एज टेम्प्ररी एंडोक्राइन टिश्यू ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज करता है वन इज एच सी जी दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और इसी को जो है हम डिटेक्ट करते हैं इन प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेग्नेंसी टेस्ट में ना हम ये एस हार्मोन को ही क्या करते हैं एस हार्मोन को ही डिटेक्ट करते हैं इसके अलावा रिलीज करता है प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोरॉन तो बेटा ये जो है ना ये नीट का क्वेश्चन है ये हार्मोन जो है ना इसके नाम याद रखो ये नीट का क्वेश्चन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोर आप हमेशा भूल जाते हो एचसी आपको याद रहता है एच आपको याद रहता है आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोर भूल जाते हो दिस इज़ बाई प्लेसेंटा ठीक है चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास आप सभी के लिए है ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास आप सभी के लिए अबाउट एच ठीक है कि एच सी जी जो है ठीक है समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि जो एच सी जी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन वो रिलीज कौन करता है वो रिलीज करता है प्लेसेंटा कौन रिलीज करता है प्लेसेंटा करता है हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल कल के सेशन में आप ले सकते हो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कल के सेशन में आपको मिल जाएगा तो प्लेसेंटा रिलीज करता है एच सी जी एच का क्या काम है कोई मुझे बताएगा एस जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम को ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर पाए प्रोजेस्टरॉन प्रोजेस्टरॉन क्या रिलीज कर पाए प्रोजेस्टरॉन ना मेरा क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा तो बाद में बनता है प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है तो प्लेसेंटा के पहले कौन सा स्ट्रक्चर जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रिलीज करता है एच सी जी नाउ माई क्वेश्चन इज मेरा क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा के पहले एच सी जी कौन रिलीज करेगा जो मेंटेन करके रखेगा कॉर्पस ल्यूटियम को बताओगे कोई हुँ? बताएगा कोई यस yes, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है वही तो मेंटेन करता है हमारा प्रेगनेंसी राइट तो बताओ मुझे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से पहले एचसीजी कौन रिलीज करेगा अगर नहीं बता पाओगे तो ऑबवियसली मैं बताऊंगी हां ओवरी नहीं नहीं एचसीजी ओवरी रिलीज थोड़ी करेगा नहीं पिट्यूटरी नहीं रिलैक्सेन नहीं 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 देखते हैं कोई बच्चा ट्रोफोब्लास्ट वेरी गुड पार्वती ट्रोफोब्लास्ट वेरी नाइस वेरी नाइस तो याद रखो प्लेसेंटा जब एच सी नहीं करता है उसके पहले जो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर रिलीज करता है एच सी वेरी गुड वेरी गुड बच्चा ठीक है वेरी गुड पार्वती सो तो ट्रोफोब्लास्ट विल रिलीज एच सी बिफोर प्लेसेंटा जो मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम जो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेड फाइन समझ गए वेरी गुड वेरी गुड मजा आ गया नाउ कैन यू सी हियर इन द लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन भी रिलीज होता है ओवरी से ओवरी से जो है रिलैक्सिन भी जो है रिलीज होता है दिस इज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी सभी बच्चे मार्क करेंगे नेक्स्ट लेट अस रिमेंबर एच सी जी ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रॉपिन ह्यूमन प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्सन आर प्रोड्यूस्ड बाई वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये जो हॉर्मोन आपको नजर आ रहे हैं ना रिलैक्सन एच पी एल एच सी जी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंसी के टाइम पर ही जो है रिलीज होते हैं वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इन एडिशन दूसरे हॉर्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और वो हॉर्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टर ऑन कार्टिसोल प्रोलैक्टिन एंड था यह जो है इसको आप याद रखो कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीड सो अपार्ट फ्रॉम दीज हार्मोन इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरॉन कार्टिसोल प्रोलेक्टिन थारॉक्सिन का हॉर्मोन भी मेटरनल बॉडी में बढ़ जाएगा फाइन अंडरस्टूड अंडरस्टूड एवरी वन प्लीज 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 डोंट डोन्ट डोन्ट स्पैम डोंट स्पैम चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ठीक है ब्लास्टूला तक हम पहुंच चुके थे ब्लास्टूला में हमने पढ़ा था ब्लास्टूला में हमने पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टूला फिर चेंज होता है इनटू गैस्ट्रूला गैस्ट्रोला किस में चेंज होता है ब्लास्टूला फिर गैस्ट्रूला में गैस्ट्रूला का क्या सिग्निफिकेंस है गैस्ट्रोला में बनते हैं गैस्ट्रोला में जो है बनते हैं मेटा डिस्कॉयडल समझ में नहीं आया मेटा डिस्कवाइयडल मैं समझा देती हूँ मेटा डिस्कॉयडल का मतलब है बेटा कि पहले जो विलाइज होते हैं ना प्लेसेंटा में वो डिफ्यूज़ होते हैं वो जो विलाइज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं बट धीरे धीरे बाद में चल के वो डिस्क के फॉर्म में सिर्फ कुछ एरियाज में जो है लोकलाइज्ड हो जाते हैं एंड दिस टाइप ऑफ

Mesoderm. Mesoderm सबसे लास्ट में बनेगा एंड देन देर इज एंडोडर्म तो ये तीन जर्म लेर का फॉर्मेशन होता है एट द गैस्ट्रूला स्टेज एट द गैस्ट्रूला स्टेज ठीक है नाओ कब आएंगे फॉर्म बिल्कुल आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेंशन वाली कोई बात नहीं है अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो आप पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है नाओ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लाटेशन के बाद सबसे पहले सबसे पहले बनेगा एक्टोडम उसके बाद बनेगा एंडोडम पहले बनेगा एक्टोडर्म फिर बनेगा एंडोडर्म और फिर बनेगा मीजोडर्म फिर क्या बनेगा मीज़ोडर्म और ये जो जर्म लेयर्स है ये आगे चल के अलग अलग ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट होगा आपके बॉडी में जिसका मैं लिस्ट पूरा लेके आई हूँ ताकि आपके आपके आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं मिले ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं मिले फाइन सो यो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेट गैस्ट्रूला इसमें सबसे बाहर की तरफ, तरफ है एक्टोडर्म अंदर की तरफ है एंडोडम और बीच में बनता है मीजोडम तो पहले ये बनेगा फिर बनेगा एंडोडम फिर बनेगा मीजोडम तो so यहाँ पर आप ब्लास्टोसील देख रहे हो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटरॉन आर्केंटरॉन आगे चल के बनाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बनाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम या ये जो आर्केंट रॉन है इसका जो ओपनिंग है इसका जो ओपनिंग है वो क्या बनेगा वो बनेगा माउथ या एनस ये बन सकता है माउथ या एनस अगर माउथ बनता है फर्स्ट अगर माउथ बनता है फर्स्ट तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं प्रोटोस्टोम क्या बोलते हैं प्रोटोस्टोम बट हमें क्या बनता है हमें बनता है एनस फर्स्ट एन एस जो है वो पहले बनता है हम में और हम जो हैं हम आते हैं इन अ कैटेगरी विच इज़ नोन एज ड्यूटरोस्टोम किस कैटेगरी में आते हैं हम ड्यूटरोस्टोम इज़ी 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 कितना इज़ी है देखो कि माउथ जिन में बनेगा माउथ जिसमें बनाएगा ब्लास्टोपोर पहले उन्हें बोला जाएगा प्रोटोस्टोम एंड एन एस जिसमें बनेगा पहले उन्हें बोला जाएगा ड्यूटरोस्टोम तो हम जो है कॉडेटा हेमी कॉडेटा एंड एकाइनोडर हम लोग ड्यूट्रोस्टोम होते हैं एनिमल किंगडम का एक कंसेप्ट ठीक है अभी एक्टोडम लेर क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएगा आपके बॉडी में फटाफट से देख लेते हैं उससे पहले यार लाइक कर दो सेशन को और सब्सक्राइब कर दो ग्रेडअप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत सारे वन शॉर्ट लेक्चर्स आने वाले हैं कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे वन शॉट में कल तीन बजे एंड मंडे को हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मजा आएगा आप सभी को ठीक है चलो हाँ प्लीज कोई भी स्पैम करेगा तो बच्चा ब्लॉक कर दिए जाओगे आप है ना तो लेट्स मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म सो एक्टोडर्म से बनेगा स्किन म्यूकस मेम्रेन लिप चीक गम माउथ पैलेट एंड एंडल एपर्चर लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल याद रखो वही से बनेगा ग्लांस पीनस लेबिया मेजोरा एंड आउटर पार्ट ऑफ लेबियर माइनोरा ठीक है नेक्स्ट हाँ ब्लॉक कर दिए जाओगे डेफिनेटली आप ऐसे करोगे ना तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे प्लीज डोंट स्पैम प्लीज डोंट डू लाइक दिस ठीक है नाउ इसके अलावा एंटीरियर एपिथीलियम ऑफ कॉर्निया कंजक्टिवा सीलियरी बॉडी एंड आईर ऑफ आई ये सब कौन से स्ट्रक्चर होता है ना ये आप पढ़ोगे जब हम आई पढ़ेंगे ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ठीक है नाउ आउटर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक मेमब्रेन एपिथिलियम ऑफ लेबरिंथ लेबरिंथ कहाँ होता है लेबरिंथ होता है आपके इंटरनल ईयर में इसके अलावा एक्जोक्राइन ग्लैंड जैसे कि स्वेट ग्लैंडियस ग्लैंड पैरोटेट ग्लैंड स्क्रीन शॉट ले लेना ये बहुत ही अच्छी लिस्ट है मेमोरी ग्लैंड एंड लेक्राइमल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है हाइपोफाइसोसेरीब्राई एंड एड्रीनल मेड्यूला जो बनता है वो एक्टोडर्म से हेयर नेल्स इनैमल सिर्फ और सिर्फ आपके दांत का इनैमल बनेगा एक्टोडर्म से लेंस ऑफ आई एंड आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बार बार जो है पूछा जाता है आपसे एग्जाम में फाइन अंडरस्टोर्ड अंडरस्टोर्ड जब फटाफट से जो है फटाफट से स्क्रीन ले लो देन वी विल प्रोसीड फर्दर फटाफट से स्क्रीन ले लो जल्दी ले लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू मीजोडर्म मीजोडर्म जो है मीजोडर्म वो कौन कौन से लेयर्स बनाता है आपके बॉडी का लेट्स सी तो आपके पूरे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है अपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज आर फॉर्मड ऑफ मीजोडर्म फेशिया लिगमेंस टेंडन एंड डर्मिस ऑफ स्किन इसके अलावा एडिपोज टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू बोन कार्टिलेज, टीथ एक्सेप्ट फॉर इनमल सारे के सारे मसल्स मैं स्टार मार्क करूँगी जो भी नीट में पूछे जाते हैं जो भी नीट में पूछे जाते हैं फाइन एंड इसके अलावा हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स ये भी किससे बनते हैं मीजोडर्म्स से किससे बनते हैं बच्चों मीजोडर्म्स से किडनी यूरिटर यूरिनरी ब्लडो पोस्टीरियर यूरिथ्रा ऑफ फीमेल अपर ग्रैंडुलर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ये भी किससे बनते हैं मीजोडर्म से ओवरीज़, यूटराइन ट्यूब्स इसके अलावा टेस्टिस एपेडाइमस वास डेफरेंस माइनल एंड इंजैकुलेटरी ड्रग्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट बनता है मीजोडर्म से आपके सारे जॉइंट्स कॉर्निया स्क्लेरा कोरोड सीलियरी बॉडी एंड आइरस बनेगा मीजोडर्म्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोग्लियल सेल्स बनेगा मीजोडर्म्स से तो बेसिकली हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स तो देखा बनेगा एक्टोडर्म से बट अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो उसमें जो माइक्रोग्लियल सेल्स है जो फेगोसाइटिक होता है ये बनता है मीजोडर्म से किसे बनेगा मीजोडर्म से ठीक है अच्छा मैंने बताया ना देखो ये है मेरी आई डी ये है मेरी टेलीग्राम आई डी ठीक है इस पे जो है आप इस पे जो है आप इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और इस पे आपको सारे पी मिल जाएंगे ओके चलिए नाउ समझ रहे हो आप अभी समझो एंडोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिवर एंड पैंक्रियाज बनता है एंडोडर्म से एंडोक्राइन ग्लैंड में थाइरॉयड पैराथाइरयड एंड थाइमस ग्लैंड टुगेदर विथ पैंक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स बनता है एंडोडर्म से ठीक है ना एपिथीलियल पार्ट ऑफ माउथ सम पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ पैलेट टंग बनता है आपका एंडोडर्म से तो बेसिकली आपके जो आपका जो जीआईटी है गैस्ट्रो ट्रैक्ट है ना ये बनता है आपके एंडोडर्म से मोस्टली एक्सेप्ट फॉर टर्मिनल माउथ का पार्ट और एनस का पार्ट जो है वो बनता है किस एक्टोडर्म से? से पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गोल ब्लैडर पैंक्रियाटिक ड मेजर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ओके इनर पार्ट ऑफ वेजाइना एंड इनर पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा इसके अलावा सारे ग्लैंड जी आई टी के वो सब किससे बनेंगे एंडोडर्म से हेलो हेलो एवरी वन या जो नए बच्चे ज्वाइन करें प्लीज डोंट फॉरगेट गेट टू सब्सक्राइब ग्रेडअप नीट चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है ना फटाफट से फटाफट से जो इसका भी स्क्रीन ले लो एंडोडर्म से क्या बनता है इसका भी स्क्रीन ले लो ठीक है और इसका भी ले लो मीजोडर्म का भी ले लो मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल आज इस पूरे चैप्टर की मेंटी होगी आज इस पूरे चैप्टर की जो है मेंटी होगी हो गया एंडोडर्म का भी ले लिया ले लिया चलो सो लेट्स मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आर आज इन एग्जाम ठीक है तो याद रखो अगर हम बात करें एम्ब्रायो की तो वन मंथ ऑफ प्रेग्नेंसी में एम्ब्राओ का हार्ट बन जाता है तो सबसे पहले क्या बनेगा सबसे पहले ए पहले मंथ में क्या बन जाएगा हार्ट बन जाएगा मीजोडम का लास्ट वाला पार्ट बेटा माइक्रोग्लिया जो है माइक्रोग्लिया ये क्या है यह है न्यूरोग्लियल सेल्स ये क्या है न्यूरोग्लियल सेल्स है जो क्या करता है ये फैगोसाइटोसिस करता है क्या करता है फैगोसाइटोसिस आप पढ़ोगे ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल भी टेंशन मत लो ठीक है ना आ, मेंटी ऑलरेडी बन चुका है पीयूष बिल्कुल मिलते हैं सात बजे देखते हैं सफरिंग हो रहा था अभी सब ठीक है ना ओके अभी सब ठीक है ओके okay, तो पहला मंथ में तो हमने देखा कि हार्ट बन गया उस हार्ट बीट को भी हम सुन पाते हैं स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से सुन पाते हैं एंड सेकेंड मंथ में जो है लिम्स एंड डिजिट लिम्स का मतलब है हाथ पैर डिजिट का मतलब है फिंगर्स तो हाथ पैर फिंगर टोस जो है वो बनने लग जाते हैं यस नाउ यू नाउ एवरीथिंग इज फाइन मेरे हिसाब से अटक गया था बट अभी सब है, right? ठीक है राइट ठीक है सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छा आप ना इसके लैंग्वेज पे भी ध्यान दो एम्ब्रायो कब तक बोलते हैं हम एम्ब्रायो जो है एम्ब्रायो कब तक बोलते हैं हम हम्म एम्ब्रायो बोलते हैं हम अराउंड सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक हम क्या बोलते हैं एम्ब्रायो बोलते हैं उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसके बाद हम बोलते हैं फीटर्स ठीक है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एम्ब्रियो क्या होता है फीटस क्या होता है कहीं पर एम्ब्रियो लिखा होता है कहीं पर फीटस लिखा होता है तो सेकेंड मंथ तक सेकेंड मंथ तक होता है एम्ब्रायो एम्ब्रायो एंड उसके बाद होता है एंड आफ्टर दैट बोला जाता है फीटस फीटस ओके नाउ सेकेंड मंथ में बन गए अभी हाथ पैर बन गए डिजिट्स बन गए फिंगर्स बन गए टोज बन गए मेंटी मतलब क्विज बेटा क्विज होने वाला है सात बजे ठीक है एंड पहले ट्राइमेस्टर तक ट्वेल्व वीक्स तक मतलब थ्री मंथ्स तक थ्री मंथ्स तक जो है मेजर ऑर्गन सारे डेवलप हो जाते हैं सारे डेवलप हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स मेल है या फीमेल है वो डिटरमाइन हो जाता है बाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर और बाई थ्री मंथ्स ओके ना फर्स्ट मूवमेंट ये नीट का ना फेवरेट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया दिस इज अ प्रिविसर क्वेश्चन ऑफ नीट कि पहला मूवमेंट फीटस का आप कब कब जो है सेंस कर पाते हो तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यही लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड ये फिफ्थ मंथ तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो हेयर्स एंड पहला मूवमेंट कब होगा फिफ्थ मंथ में फिफ्थ मंथ में ओके यस हेलो देवांश। ऑल्सो बाई ट्वेंटी फोर वीक बाई सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्वेंटी फोर वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो प्रिविजर क्वेश्चन ऑफ नीट क्या बन जाता है बॉडी इज कवर्ड बाई फाइन हेयर आईलेट्स सेपरेट हो जाते हैं एंड आईलैशेज बन जाते हैं मिले हैं ये क्वेश्चन आपको मिले हैं ये आपको प्रिविजर क्वेश्चन में है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीआर से ली गई हैं और एज इट इज पूछी जाएंगे एंड यस बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीचर्स इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी तो जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ना बच्चों वो पॉइंट दोनों पॉइंट को जो है आप याद रखोगे दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे कौन से चैप्टर का मेंटी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंटी है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंटी है ओके okay? मार्क so, hope, 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 hope कर लीजिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मूव ऑन टू पार्चुरेशन पार्चुरेशन पे पहुंचते हैं कैन यू सी पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ ठीक है वट डू यू अंडरस्टेंड माई पार्चुरेशन इट इज चाइल्ड बर्थ इट इज चाइल्ड बर्थ ठीक है नाउ अगेन नीट का फेवरेट क्वेश्चन नीट का प्रिवियसअर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाइल्ड बर्थ के लिए या पार्चुरेशन के लिए सबसे पहला सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है तो so याद रखो द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस जब आपका फुल फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और आपका प्लेसेंटा पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो वही सिग्नल सेंड करेगा फॉर पार्चुरेशन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ नीट नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा फाइन सो पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो डिपेंड करेगा नर्व्स पे एंड हॉर्मोन्स पे इसके अलावा सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स एंड प्लेसेंटा समझ गए लिख लिया और इसे ही बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज सर रिफ्लेक्स एक्शन दिस इज आल्सो नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अंडरस्टूड एवरीवन मेंटी मिनट सात बजे बच्चा मेंटी ही सात बजे है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पे ठीक है नाउ फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स में सबसे बड़ा रोल किसका होता है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन का ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन का जिसे बर्थ हॉर्मोन भी बोला जाता है कहाँ से रिलीज होता है ये बर्थ हार्मोन या ऑक्सीटोसन विच इज अ स्मूद मसल कॉन्स्ट्रक्टर ये रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिटविटरी बनता तो हाइपोथैलेमस में है बस स्टोर और सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिटविटरी से तो ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है यूटराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन ओके okay? और ये जो प्रोसेस है ये चलता जाता है नाउ दिस पार्चुरेशन अकर्स इन थ्री स्टेजेस तीन फेजेस में होता है पहला फेज जो होता है पहला फेज जो होता है वो होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स इसमें क्या होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है खुल जाता है सेकेंड फेज में सेकेंड फेज में होता है एक्सपर्शन ऑफ फीटर्स फीटर्स बाहर आता है या यू कैन से एक्सपर्शन ऑफ द चाइल्ड या बेबी सो so सेकेंड क्या है एक्सपर्शन ऑफ ऑफ फीटस फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड जो थर्ड फेज होता है थर्ड फेज में होता है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड अंबलाइकल कॉर्ड वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है पार्चुरेशन का थर्ड फेज में क्या होगा एक्सपल्शन ऑफ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा एंड अंबलाइकल कॉर्ड एंड अंबलाइकल कॉर्ड ओके अंडरस्टूड एवरी वन ना जस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है जस्टेशन पीरियड का मतलब है हेलो हेलो आयात जस्ट्रेशन पीरियड का मतलब है द लेंथ ऑफ टाइम फॉर कंसेप्शन और टू बर्थ मतलब कि कंसेप्शन से लेके फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ uh, तक का जो ड्यूरेशन है उसे बोला जाता है जस्ट्रेशन पीरियड अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ये 280 डेज का होता है कब से कैलकुलेट करता है डॉक्टर डॉक्टर कैलकुलेट करता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके जब मेंस्ट्रुएशन हुआ था उसका जो पहला दिन था उससे जो है कैलकुलेट करा जाता है फ्रॉम द लास्ट के फर्स्ट डे से जो है कैलकुलेट करा जाता है तो विच कम्स अराउंड टू एट्टी डेज अदरवाइज इट इज ऑफ टू सिक्सटी सिक्स डेज अंडरस्टूड अंडरस्टूड नहीं जगजोत सर का क्लास नहीं है बच्चों जगजोत सर का क्लास नहीं है नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेक्टेशन लेक्टेशन पे आते हैं वॉट यू अंडरस्टैंड अबाई लेक्टेशन यस प्लीज स्टूडेंट डोंट फो गेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन सब्सक्राइब करिए ग्रेडअप नीड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली होते हैं बच्चों डेली होते हैं वन शॉर्ट लेक्चर्स क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों का ही सिलेबस यहाँ पर कवर हो रहा है विथ क्वेश्चन डिस्कशन विथ मेटीक्विज एंड एवरी थिंग ओके चलो लेक्टेशन का बात करें तो लेक्टेशन का मतलब है सिक्रिशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ ठीक है नाउ मिल्क फॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बच्चे लिख लेंगे साइड में कि मिल्क फॉर्मेशन मिल्क फॉर्मेशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है मिल्क फॉर्मेशन होता है प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एंड मिल्क सिक्रीशन या मिल्क इजेक्शन है ना मिल्क सिक्रीशन सिक्रीशन और इजेक्शन इजेक्शन किसके इन्फ्लुएंस में होता है इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरी गुड एवरी वन ओके ना ह्योर यू कैन सी द न्यू बोर्न बेबी इज फेड मिल्क बाय द मदर और उसे ही बोला जाता है लेक्टेशन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड सिक्रियन ऑफ मिल्क इज टर्म जो पहला मिल्क होता है मदर का उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रॉम क्या बोला जाता है कोलेस्ट्रॉम एंड इट इज वेरी वेरी असेंशियल फॉर द न्यू बोर्नस इट इज रिच इन इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ चलो आप मुझे बताओगे कि कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है इसमें कोलेस्ट्रॉम में विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम कितनी देर का होगा मेंटी ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स का फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिनट्स का होगा बेटा मेंटी सात बजे से होगा ओके okay? चलो बताओ मुझे कौन सी एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है कोलेस्ट्रॉम में फटाफट बताओ ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आई जी ओके okay. इसके अलावा आई जी एम इज ऑल्सो प्रेजेंट बट द इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोमिस आई जी ए वेरी गुड अच्छा आई जी जी का क्या सिग्निफिकेंस है कुछ बच्चे आईजी जी बोल रहे है। बच्चा आई जी जी क्या होता है हाँ कुछ रीज़न से सेवंथ मंथ में एट्थ मंथ में भी हो सकता है प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इरेग्युलरिटी हार्मोनल इेगुलरिटी के वजह से भी हो सकता है बेटा ठीक है आईजीजी का क्या सिग्निफिकेंस है व्हाट इज आईजीजी जल्दी बताओ आईजीजी का क्या सिग्निफिकेंस है हाँ आई तो रिलीज होता है सारे ही हमारे सिक्रेशन में चाहे वो चाहे वो हमारा सलाइवा uh, है चाहे वो मिल्क है चाहे वो जीआईटी के सिक्रीशंस हैं। आईजीजी, आई एम आस्किंग आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाता है वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड अनुष्का सब जो बच्चे आप बोल रहे हो ना जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो आईजीजी में तो याद रखो आईजीजी जो है वो सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है और सिर्फ यही क्रॉस कर पाता है आपके प्लेसेंटा को दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो क्रॉस कर पाता है प्लेसेंटा को अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था वो ये है डू यू नो कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो भी आर्टरी और वेन वो ना उल्टा ब्लड सप्लाई करते हैं मतलब कि जो आर्टरी होता है ना आर्टरी में होता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे कि आप पढ़ते हो ना पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ओके सो यहां पर वो पॉइंट भी मैं लिख दे रही हूं वो कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अम्बेलाइकल और अम्बेलाइकल वेन जो है वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइट परमरी आर्टरी एंड पर्मनरी वेन हाँ इसी चैप्टर का मिनटी है इसी चैप्टर का मेंटी है अच्छा एक और एक और अच्छा पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक नीट एंड दैट इज वॉटन्स जेली ओके एक स्पेशल टाइप का म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होता है आपके एम्बेलाइकल कॉर्ड में स्पेशल टाइप का म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एम्बेलाइकल कॉर्ड में जिसे बोला जाता है वॉटन्स जेली क्या बोला जाता है जिसको वॉटन्स जेलीट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिट्रस ह्यूमर ऑफ यूर आई आपके आई में जो ह्यूमर होता है ना उसमें भी वोट जेली होता है बट ये फिलहाल हाँ पर, पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ वॉटर ब्रेक चलो अंडरस्टैंड तो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दो जल्दी जल्दी आंसर दो क्वेश्चन नंबर वन का डी ओ बी ओ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेलो हेमंत नाउ प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑफ नीड चैनल एंड लाइक कर दो सेशन को नाउ क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपेक्ट द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन मेमेलियन एग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आज ही के सेशन में हमने पढ़ा था आज ही के सेशन में मैंने आपको वन टू थ्री लिख के बताया था चलो बताओ कौन सा है सबसे कौन सा है सबसे बाहर वाला लेयर फिर उसके अंदर वाला लेयर फिर सबसे अंदर वाला लेयर ओके सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी एंड ये सी इज द करेक्ट आंसर सबसे बाहर वाला लेयर होता है एलोंगेटेड सेल का लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा उसके अंदर होता है जोना पल्यूसिटा और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेमब्रेन वेरी गुड एवरी बारी सीओगा बच्चा सीओगा सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा देना पल्यूसिटा एंड देन प्लाज्मान ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी जल्दी स्टेटमेंट वन इज सेम हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन फॉर्मड ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट अभी पढ़ा हमने स्टेटमेंट टू इज सेइंग मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी थर्ड स्टेटमेंट इज कोलेट्रोल डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज सो पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है जल्दी से बता दो ए बी सी और डी जल्दी बता दो ए बी सी और डी लेट मी सी ओके ए बी सी और डी हाँ चश्मा लगा लिया चश्मा इसलिए लगा लिया क्योंकि आंखें दर्द कर रही है बच्चा ना स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री विच एज विच वन इज करेक्ट डी इज़ करेक्ट डी इज करेक्ट तो बच्चों हार्ट पहला ऑर्गन है जो सबसे पहले बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट मंथ में बन जाता है हम सभी ने देखा है ये अभी जस्ट पढ़ा हमने इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन ट्वेल्व वीक्स में बन जाता है एंड ट्वेल्व वीक्स कितना होता है ट्वेल्व वीक्स होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थ्री मंथ्स जिसे बोला जाता है या थ्री मंथ्स जिसे बोला जाता है ओके okay? uh, तो ट्वेल्व वीक्स में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं सारे मेजर ऑर्गन ये भी हमने स्टेटमेंट देखा है एन का लाइन है कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए एंड द थर्ड स्टेटमेंट इस कोलेस्ट्रॉल में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है ये अभी हमने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल में होता है आई जी एंटीबॉडी आई जी ए ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी कोई कंफ्यूजन नहीं है राइट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को क्या बोला जाता है सब कुछ हमने आज के सेशन में ही कंप्लीट किया है बताइए जल्दी ए बी सी और डी जल्दी बताओ लाइक like करेंगे यार सभी बच्चे लाइक like करेंगे लाइक like नजर आना चाहिए लाइक like बढ़ने चाहिए है ना मेरे सेशन में The so outer layer of blastosis is called trophoblast. Very good. Trophoblast. Okay. Very good, everyone. Charlie. next question. Question number four. Pe aate. Question number four. Pe aate hain. Uh, statement one and statement. What is amnion? Amnion is a amnion is a bit uh, You can say. एम्योन इज़ मेम्ब्रेन जिसके अंदर होता है एमिनिटिक फ्लूइड जिसके अंदर होता है एम्ब्रियो और फीटस जिसके अंदर जो है डेवलप होता है सो बेसिकली बेसिकली एमिओटिक कैविटी इज इम्पॉर्टेंट बहुत सारे रीज़न के लिए एमिनिटिक फ्लूड और एम्योटिक कैविटी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मूवमेंट ऑफ फॉर मूवमेंट ऑफ एम्ब्रो एंड फीटस के लिए ज़रूरी है इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट शॉक एब्बॉर्बेंट ओके यू मस्ट हैट अबाउट एमनियोसिंटेसिस है ना एमनियोसिंटेसिस क्या है वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम नीडल से जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके साथ निकलता है फीटस या एम्ब्रियो का सेल और उसके थ्रू जो है हम कर देख सकते हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक ओके सो पहला स्टेटमेंट ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन बोथ कॉजिस कॉन्ट्रैक्शन इन द मायोमेट्रियम दैट लीड्स टू चाइल्ड बर्थ दूसरा वेसोप्रेसन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा वेसोप्रेसन इज बेटा, ओके गुड गायत्री सो तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट मतलब दोनों ही इनकरेक्ट है ओके प्रोलैक्टिन तो कंट्रैक्शन नहीं करता है ऑक्सीटोसिन जरूर कंट्रैक्शन करता है सो ओनली ऑक्सीटोसिन विल बी ट्रू दैट्स वाई स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू का बात करें वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क नहीं इसमें क्या आएगा प्रोलैक्टिन आएगा राइट right? तो ये भी गलत है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी करेक्ट ऑप्शन क्या है बी बेटा और भी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है ना मैं आपको बता देती हूँ और भी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है ओके फॉर एग्जाम्पल कोरियन एमनियॉन क एंड एलेंटॉयस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गायत्री ने मैं बता देती हूँ सभी को कि कोरियन एमनियन योक्सैक एंड एलेंटॉइज ये कुछ चार एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है हमारे फीटर्स के पास में कोरियोन जो है वो आगे चल के क्या बनाता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा बनाता है एमनियन जो है एमनियन के बारे में मैंने अभी बताया कि इसके अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूड जो हेल्प करता है फॉर इजी मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड फीचर्स एंड यॉक सैक का बात करें तो सैक बहुत ही रिड्यूस होता है ह्यूमंस में कोई भी काम नहीं करता है बट यस यू कैन से दैट सैक हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस एट अर्ली स्टेज सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एरीथ्रो erythro, ये एरीथ्रो पॉइसिस में हेल्प कर सकता है ठीक है नेक्स्ट इज एलेंटोइ एलेंटॉइयज वैसे तो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन में बट नॉट इन ह्यूमंस ह्यूमंस में ये एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं विच इज नॉट गिवन इन एनसीआर टी बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं कही ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मिल जाएगा समझ गए बच्चों प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर यार बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है सेशन है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है बच्चा ये ठीक है चलो फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के इज सेशन का ओके सो मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ओव्यूलेशन क्या होता है पार्चुरेशन क्या होता है जस्टेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है मैच कर दो जल्दी से और मुझे बता दो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास एंड आज सभी को सात बजे आना है डोंट फॉरगेट फॉर मेंटिक वेज ऑफ दिस चैप्टर बहुत मज़ा आएगा जूम करूं ए मुझे तो नजर आ रहा है तुमको नजर नहीं आ रहा है सब कुछ तो नजर आ रहा है कॉलम वन में क्या लिखा है कॉलम टू में क्या लिखा है जूम कर देती हूँ वैसे तो बोल रहे हैं बच्चे तो अच्छा मैंने शायद चश्मा लगा रखा है इसलिए मुझे नजर आ रहा है हाँ ये देख लो एक बार दिख रहा है हुँ? दिख गया अभी आ रहा है ना नजर <laughs> कहाँ गया क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ही चला गया पीछे ओके okay. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए वेरी गुड ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इसके लिए कौन से हॉर्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए नीट का क्वेश्चन है भाई और ईस्ट्रोजन 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 एंड तो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था पार्चुरेशन क्या होता है पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द यूटरस जेस्टेशन का मतलब क्या होता है ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है अटैचमेंट ऑफ जयट टू एंडोमेट्रियम जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर फाइन ट्रोफो समझ गए मजा आया इस क्वेश्चन में मज़ा आया चलो फटाफट से लाइक कर दो सेशन को सब्सक्राइब कर दो ग्रेड अप नीट चैनल को और डाउनलोड कर लो ग्रेड अप आप, ऐप अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लो फॉर सारे पीडीएफ ठीक है आज का शेड्यूल बता देती हूं टुडे सेवन पी एम गया टुडे सेवन पी एम होगा मेंटी क्विज मेंटी क्विज होगा एंड कल जो है कल तीन बजे ठीक है कल तीन बजे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन वन शॉट क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन वन शॉट अंडरस्टूड फाइन टुमरो टुमोरो थ्री 3 एम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे हम इन वन शॉट ओके चलिए बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं सात बजे जाना नहीं है भूलना नहीं है एंड कल मिलेंगे तीन बजे फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन वन शॉट सो टेक केयर एवरीवन उससे पहले लाइक करके जरूर जाना प्लीज है ना थैंक यू थैंक यू डॉक्टर एस के रॉय हाँ यूट्यूब पे मेंटी है बेटा ग्रेड अप नीट चैनल यूट्यूब पे मेंटी होगा यूट्यूब पे ग्रेड अप नीट चैनल इसी चैनल पे सात बजे मिलेंगे हम मेंटी में ठीक है